जो विगत 20 वर्षों में सरकार हर केस कोर्ट में हारती थी, अभी ये सरकार ने हर केस जीतने का काम कोर्ट में किया है। हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक बार फिर गहमागहमी बढ़ गई है। ढोल नगाड़ों के साथ सीएम हाउस पर नवनियुक्त शिक्षक पहुंचे हैं। इनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री को दिन से मिलने पहुंचे, जहां पर सीएम सोरेन ने भी नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दिया और कहा कि आप लोग बहुत परेशानी रहे और आपको परेशान देख कर मैं भी बहुत परेशान रहा। नवनियुक्त आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, नौजवान साथियों, पहले तो आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा समय का अभाव है, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत परेशान रहे और आपको मैं ये बता नहीं सकता आपकी परेशानी देख करके मैं कितना परेशान रहा। ना जाने यहाँ पर ऐसी कौन सी व्यवस्था विगत 20 वर्षों में खड़ी हो गई, चारों तरफ चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सिपाही हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जो सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं, उनको अजीबो गरीब उलझनों में डालता रहा। हमारा जेपीएससी हो, हमारा जेसीसी हो, उन सभी जगहों में पता नहीं ऐसी कौन सी उसमें बेताल बैठ गया था कि यहाँ के नौजवानों का भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। जब तब चीजें कोर्ट कचहरी में जाकर के फंस जाती, वहीं पर सरकार औंधे मुंह गिर जाती थी, कहीं सरकार टिक नहीं पाती थी। लेकिन आपकी इन परेशानियों को मैं अपनी परेशानी समझते हुए इस पर काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो विगत 20 वर्षों में सरकार हर केस कोर्ट में हारती थी, अभी ये सरकार ने हर केस जीतने का काम कोर्ट में किया है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये हेमंत सोरेन जैसा, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ जो विगत 20 वर्षों में लोगों ने काम किया वो यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ के नौजवान, यहाँ के आने वाली पीढ़ी, यहाँ के हमारे किसान मजदूर, चाहे वो कार्यपालिका में काम करने वाला रोज हमारा कर्मचारी हो, चाहे सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे कोई अनुबंध कर्मी हो, सबके साथ सभी लोग इतने परेशान रहे हैं। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम पुराने मकड़ जाल को में ही उलझे रहेंगे कि राज्य को कोई दिशा और दशा दिया जा सकता है। लेकिन जिम्मेवारी राज का मुखिया होने के नाते
मुझे राज को आगे भी दिशा और दशा देने का काम करना है और राज के अंदर जो व्याप्त 20 वर्षों का मकर जाल को भी उतर कर फेंकने का काम करना था। इसी क्रम में आज आप लोग गवाह हैं, आप सब लोग इसके साक्षी हैं कि किस तरीके से गलत नीति के वजह से आपको इतने दिनों का संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और बेहतर भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षा के जगत में जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जिस उद्देश्य के साथ शिक्षा को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, उस सफर का आप लोग अहम कर शिक्षा की दिशा देते हुए इस राज्य को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।